सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो बस इंतजार करते ही रह जाओगे। हिम्मत करो, खुद उठो और सब कुछ ठीक करो। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। आज का पंचांग 9 दिसंबर 2020 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि दोपहर 3:17 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र दोपहर 12:33 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:19 से 1:38 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 9 दिसंबर 2020 दिन बुधवार, मेहनत से काम करें और जमकर आनंद उठाएं। आज पूरे दिन इसी सिद्धांत पर चलेंगे और यह उपयुक्त भी है। दिन की शुरुआत सामान्य होगी लेकिन अन्य दोस्तों और परिवार के साथ जश्न से होगा। आपके लोगों को हंसाने की क्षमता और खुशमिजाज स्वभाव बड़ी पार्टी की मेजबानी के लिए भी उपयुक्त है। किसी सामाजिक संस्था के सराहनीय काम करने से आपको सम्मानित किया जा सकता है। स्त्री वर्ग के लिए आज के दिन खास तौर पर लाभदायक है। इस समय भविष्य संबंधित कोई भी योजना ना बनाकर वर्तमान कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। कभी कभी गुस्सा हावी हो जाने से किसी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। काम संबंधित यात्रा में सफलता मिलेगी। काफी दिनों के बाद परिवार के लोगों से मिलने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिसके द्वारा आपको खुशियाँ भी प्राप्त होगी। बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी चिंता आपकी बढ़ सकती है, लेकिन जितनी नकारात्मक बातें आपके मन में आ रही है परिस्थिति उतनी नकारात्मक नहीं रहेगी। विदेश संबंधित कामों में प्रगति नजर आएगी। पार्टनर मिलकर रिलेशनशिप संबंधित तकनीकों को दूर करने की कोशिश करेंगे। जोखिम भरे कार्यों से बचें क्योंकि इससे धन की हानि हो सकती है। सामाजिक सेटिंग का आनंद लें, इससे अन्य लोग आपकी करिश्मे की प्रशंसा करेंगे। लेकिन उन लोगों की उपेक्षा ना करें जिनकी घर पर आपको जरूरत है। घरेलू मामलों में आपको सच्ची खुशी और मन की शांति मिलेगी। अगर आपका कोई साथी नहीं है या आपसे दूर है तो आप आज उदास महसूस कर सकते हैं। निराश ना हो और खुले दिल से जीवन को गले लगाएं। अपने शौक मनोरंजन और खेलकूद के लिए समय निकालें। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद हमारा काम सहज कौशल पूर्ण तेज और गतिमान हो जाता है। दांपत्य जीवन में खुशी रहेगी और जीवन साथी से रिश्ते बढ़िया बनेंगे। आपको अपने और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कई कामों को करने का मन करेगा जिससे मन में असमंजस्य की स्थिति रहेगी। दोस्तों का साथ मिलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी और कहीं यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। बहुप्रतीक्षित धन प्राप्त होने के योग बनेंगे। आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देना भी होगा, नहीं तो दिक्कतें आ सकती है। आपके विरोधी मजबूत होंगे। भाग्य का थोड़ा साथ मिलेगा जिससे कुछ काम बन जाएंगे और आपके जीवन में धन की आवक होगी। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा जिससे बीमार भी पड़ सकते हैं। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी कमजोर रह सकता है। प्रेम जीवन जीने वाले लोगों को आज
अच्छे नतीजे मिलेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का अवसर मिलेगा। सावधानियां, कभी भी गुस्सा हावी होने से किसी के साथ संबंध खराब आपका हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। महत्वपूर्ण वस्तुओं को कहीं रखकर भूलने अथवा खोने की वजह से तनाव रहेगा, परंतु चिंता ना करें, वस्तु आपको घर में ही मिलेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। दिन भर की भाग दौड़ के बाद पारिवारिक जनों के साथ समय बिताकर आपको तनाव मुक्त महसूस होगा और ताजगी भी मिलेगी। प्रिय साथी के साथ कुछ प्रेम के पलों का आनंद लेने का सपना देख रहे हैं तो आज के दिन इसके लिए उपयुक्त है। अपने साथी के दायरे में आप प्रकृति के कहीं आसपास एक साथ इस दिन का आनंद लें। शीतल प्रकाश सुगंधित द्रव आपके प्रेम की ज्वाला को बढ़ाएंगे। आगे बढ़े आज के दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आज आप अपने मन या दिमाग के बीच दुविधा में हैं। अगर प्रेम संबंध में कोई गलती हुई है तो याद रखें कि समय हमेशा के जैसा नहीं रहता, इसलिए एक दूसरे को माफ करना रिश्ते को मजबूत करता है। अपने शौक पूरा करने और आराम के लिए आज के दिन परफेक्ट है। आप यौन संबंधों को लेकर अत्यधिक रोमांचित और उत्साहित हैं। अपने साथी के साथ कुछ अंतरंग क्षणों का अनुभव कर सकते हैं, जिन्हें साथी की तलाश है वो निराश हो सकते हैं। सब्र रखें क्योंकि शीघ्र ही आपके जीवन में प्यार के आगमन के संकेत हैं। बात करते हैं करियर की। आधार कार्यों में निपुणता आपके करियर को प्रभावित करेगी और नींव मजबूत होगी। घर की मरम्मत और नवीनीकरण में आज का अधिकतर समय व्यतीत होगा। किसी कारण से शिक्षा में व्यवधान आ सकता है। आज स्वयं को सही दिशा की ओर ले जाने की आप कोशिश करें। चिंता के भाव को आप दूसरों से बात करके कम कर सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए मुद्दों के पूरा होने, आनंदित होने, अपने शौक को पूरा करने में समय बिताएं। इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते रहे हैं। आज आपकी इन गुणों की बहुत सराहना की जाएगी और उनके लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत सलाह भी मिल सकती है और आप वो सब पा सकते हैं जो आपने अपने बलबूते पर पाना इतना आसान नहीं था। बात करते हैं सेहत की। आज इस बात पर ध्यान दें कि आज ऑफिस में कौन बीमार है और उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे टेलीफोन, टैबलेट या दूसरे उपकरणों का प्रयोग करने से बचें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आसानी से संक्रमण से भी बच सकते हैं। आप बहुत परोपकारी हैं और दूसरों का जितना ख्याल आप रखते हैं वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य हैं। लेकिन ना भूलें कि अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज लोग अपना विशेष ध्यान रखें तथा नियमित जांच अवश्य कराएं। आज का उपाय। आज अब गरीबों को खाने की चीजों का दान करें, उसमें हरी मूंग भी शामिल करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।